किंगई से चलते फिरते आते यूपी वाला पे आ चुके और देखना भी शुरू कर चुके हैं। एंड दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के सुपर स्टार एंड दिग्गज अभिनेता अजय देवगन की अपकमिंग मूवी शैतान के बारे में। हाँ नहीं, मुझे इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। तो चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट लेट स्टार्ट दिस वीडियो की तरफ। चलो। तो भाई साहब अजय देवगन जिसने अपने करियर की शुरुआत 1991 में की थी एक फिल्म के जरिए जिसका नाम था फूल और कांटे, कैसा लगा? फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया एंड उस दौर की जो फिल्म थी ये फूल और कांटे सुपर हिट रही एंड नंबर वन की एक इकलौती लाइक जो क्या बोलते हैं उसे यार रोमांटिक फिल्मों में से एक रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देन उसके बाद कई बड़ी एक्शन फिल्में हमें अजय देवगन की रोमांटिक फिल्में देखने के लिए मिली जो कि बॉक्स ऑफिस पर खरी उतरी। देन वो थी पिछली फिल्में, लेकिन आपको बता दें दोस्तों इस साल 2024 में भी अजय देवगन की हमें एक फिल्म देखने के लिए मिलेगी। एक नहीं बल्कि इस साल तो हमें अजय देवगन की कई बड़ी फिल्में देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों रिसेंटली जो हमें अजय देवगन की फिल्म आगे देखने के लिए मिलने वाली है उसका नाम है शैतान, जिसका की अनाउंसमेंट के बाद टीजर भी हमें देखने के लिए मिल चुका है। टीजर में काफी अच्छा टीजर में कुछ हॉरर सीन हमें देखने के लिए मिले एंड वहीं अजय देवगन के सीन्स, अजय देवगन का भी एक सीन हमें देखने के लिए मिला टीजर में। उसके साथ साथ जो एक्ट्रेस है ज्योति का, उसका भी इस टीजर में हमें सीन देखने के लिए मिल चुका है। टीजर को ज्यादातर डार्क मोड में रिलीज किया है। वहीं आपको बता दे दोस्तों आगे इस मूवी के टीजर के बाद अब खबरें सामने निकल के आ रही कि आगे हमें इस मूवी का जल्दी फर्स्ट सॉन्ग देखने में सुनने के लिए मिलेगा जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग होगा जिसमें हमें अजय देवगन और ज्योति की केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। वहीं सॉन्ग का टाइटल भी रिवील हो चुका है एंड जल्दी मेकर्स इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आगे करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरु लोगों इसी के चलते हो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।